वाइस कैप्टन आ रहे हैं, कैप्टन से भी हम जरूर पूछेंगे क्या कितना प्रेशर था, कि प्रेशर लिया कि नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, बस अपने फ्लो में खेलते गए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लिया है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ, तो काफ़ी अरसे से हम एक ही साथ खेल रहे हैं, तो टीम का कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, तो एक दूसरे को साथ लेकर चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काशिफ, आप लोगों को भी रिसेंटली अर्जेंटाइन से वाबस्ता जो एक सीनियर कोच हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, रॉबिन वॉल्चन, तो उनके आने से कितना फ़ायदा हुआ, उन्होंने जब ज्वाइन किया टीम को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इससे ज़्यादा फ़ायदा हमें, हमारा जो पहले कोच था ब्राज़ील से ना, उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो ये तो अभी नया आया तकरीबन, इसने हमारे साथ 10-15 दिन काम किया है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गेम में चेंजिंग आई है, नई ड्रिल बताई उसने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। लेकिन आप लोगों का एक जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ, मुझे पता है इंडिया नाजरीन नहीं आया खेलने इस बार, क्रिकेट भी नहीं खेलने आ रहे, हॉकी भी नहीं खेलने आ रहे पाकिस्तान में, यहाँ भी नौजवान हमारे तैयार थे हराने के लिए, लेकिन अफसोस तो नहीं आए खेलने। नहीं तो वैसे भी अमूमन भी अगर देखा जाए तो वो तो खेल के मामले में भी उनको प्रोपेगेंडा करना देते हैं, जो कि बड़ी बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उस्मान, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा चैंपियनशिप के बारे में जरा बताइए। बिस्मिल्लाह, एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मोस्टली हमारे 5 से 6 लड़के जो प्रोफेशनल लीग खेल के आए थे, तो इस चीज़ का हमें बहुत एडवांटेज था। जैसे मैं, मुराद भाई, अफाक, हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लीग खेल के आए हैं, और जैसे हमारे पहले कोच थे हिसन आई, वो जो उन्होंने हमें वर्क करवाया था, सेम वर्क वही है हमारे जो कोच आए रूबन, ये सारा मतलब ये था, और थोड़ी बहुत चेंजिंग आई थी, लेकिन हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही अपना जो पीछे वाला वर्क था वही अडॉप्ट किया, तो इतना मुश्किल नहीं लगा हमें। लेकिन ये है कि हमारे अपने क्राउड में, अपने होम ग्राउंड में खेलना थोड़ा मुश्किल लगता था, प्रेशर होता था ना कि अपनी अवाम में खेलना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे इसका वक्त आपके लाहौर में हुआ था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान के साथ जो है खेलना चाहती हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान है, 28 से 30 तक मैचेस होंगे इस्लामाबाद में, और पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आएगी, और ऑस्ट्रेलिया ने खुद से ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं और आपके साथ खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारी है। बिल्कुल, पहले जब इस तरह की टीमों के साथ हमारे फ्रेंडली मैचेस को लेकर बात होती थी तो उनका इतना इंटरेस्ट लेवल नहीं होता था, ये भी आप कह सकते हैं कि हमारा भी उतना अच्छा लेवल नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर काम भी इतना नहीं होता। अभी अल्लाह का करम है, पिछले लास्ट 2 ईयर्स में हमने बहुत बड़ी बड़ी टीमों को विन किया है, तो अभी सारी टीमें खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि हम भी आएँ और आप लोगों के साथ खेलें। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह इन्होंने किया, आगे हमने जाना है एवीसी कप में बहरेन, तो उनकी भी टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया की, हम भी जाएंगे, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि क्यों ना हम आपस में फ्रेंडली मैच खेलें। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तैयारियों की बात यह है कि अभी जो लास्ट हमने जीता है ना फाइनल, उसके बाद मेरे ख्याल से 2 दिन हमने रेस्ट किया और अभी ट्रेनिंग हमारी जा रही है, इंशाल्लाह अच्छी तैयारियाँ हैं और ये भी एक अच्छा इवेंट होगा। अच्छा मुराद, ऐसे में अब जाहिर अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जब हॉकी से भी, कल हम हॉकी के प्लेयर से भी बात कर रहे थे, हमारा यही सवाल था कि क्रिकेट को हम ज्यादा पाकिस्तान में देखा जाए तो वही उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसको ज्यादा कवरेज दी जा रही होती है, उस पर ज्यादा बात की जा रही है। वॉलीबॉल, हॉकी तो हालांकि हमारे देखें कौमी खेल है, उसके बावजूद अब जाके जिस तरह 13 साल बाद इजलान कप जीता नहीं है, मतलब फाइनल्स में पहुंचे ऑब्वियसली, तो उसके बाद हाईलाइट, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, आप खुद से स्ट्रगल करके आगे आ रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं तो लोग फिर उस पर बात भी कर रहे हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं हम डिप्राइव्ड हैं, हमें उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जिस तरह की देनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो खेल ही है ना। देखिए मुझे पर्सनली 11 साल हो गए पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम में खेलते हुए, और डिफरेंट हालात हमने देखे हैं, बहुत सा हालात भी देखे हैं, मीडिया कवरेज वगैरह कुछ भी नहीं होता था, इंटरनेशनल टूर्स भी नहीं होते थे, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी ड्यू टू फंडिंग। लेकिन अभी जो फेडरेशन है तकरीबन 4-5 साल से उन्होंने अपनी कोशिशें जारी की है कि हमें फॉरेन कोचेज हायर करके दें, बाहर की हमारी इवेंट्स मिस ना हो, तो उसका हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है और अब हम विन कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब हम विन नहीं भी कर रहे थे तो हमें सपोर्ट और फोकस हमारे ऊपर भी होना चाहिए था, क्योंकि हम भी इसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी टीम के प्लेयर हैं, जिस तरह के क्रिकेट वाले या दूसरी स्पोर्ट्स हैं, बिल्कुल वो भी हमारे अपने हैं, जितने क्रिकेट को कोई आम बंदा पसंद करते हैं हम भी उसी तरह उनको पसंद करते हैं, देखते हैं मैचेस। लेकिन हाँ, ये शिकायत थी कि मीडिया कवरेज हमें भी मिलनी चाहिए थी, गवर्नमेंट सपोर्ट भी होनी चाहिए थी, फंडिंग भी होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, ताकि हमें भी वो मौके मुयसर हों। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट
के बाद अगर कोई दूसरा खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है तो वे पंजाब के केपीके में, सिंध में, इवन डिपार्टमेंटल लेवल पर भी पुलिस हो, पाकिस्तान आर्मी हो, रेलवे हो, ये खेल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत लोग खेल रहे हैं। आप नई इलाकों में जाएं, वॉलीबॉल नेट्स लगे होंगे, जगह जगह पे लोग इसको खेल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह ऑलरेडी मुराद ने बताया कि ये सस्ता खेल है एक तरह से, कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होती। एक नेट आपने लगाई, एक बॉल है, उसके बाद जाहिर है आप उससे खेल रहे होते हैं। अच्छा, सस्ता तो है लेकिन काशिफ ऐसे में जाहिर है फिटनेस तो हर प्लेयर को मेंटेन करनी पड़ती है, और फिटनेस पर तो पैसे आपके लगते ही है ना, उसमें तो सस्ता महंगा वो तो महंगी ही होती है फिटनेस के। आपको ये खुराकें चाहिए, आपने इस तरह से अपना डाइट प्लान, उसमें जाहिर आपको एक ट्रेनर भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट भी चाहिए, जिम की मेंबरशिप भी चाहिए। सो ये सारी चीजें जाहिर वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। जब हमारा नेशनल कैंप लगा होता है तो तब तो प्रॉब्लम नहीं होती, जब नेशनल कैंप नहीं होता, जब हम अपने गाँव में होते हैं तो फिर हम खुद अपनी ट्रेनिंग करते हैं, पे भी खुद करते हैं, कोई स्पोर्ट नहीं होती है। या तो गांव में हमने जिम बनाया होता है, क्लब में, हमारे गांव में बहुत अच्छा क्लब है, उधर हमने जिम बनाया हुआ है, हमारे उस्ताद है वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो काफी मुश्किल। अच्छा, आप लोगों का ताल्लुक कहाँ कहाँ से, जरा ये भी हमने, कहाँ से आपका ताल्लुक? मेरा साहिवाल से ताल्लुक है। साहिवाल से आपका ताल्लुक है? शक्करगढ़ से। बन्नू से, केपीके बन्नू, केपीके पेशावर से। पेशावर से। अब ये देखिए, अच्छा बाकी जो आपकी टीम है वो भी पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि एक नेशनल टीम बनी है तो वो पूरे पाकिस्तान, कहाँ कहाँ से वो प्लेयर्स हैं, कहाँ कैसे इस टैलेंट को आगे लेकर आई है फेडरेशन? मोस्टली तो सारे पाकिस्तान में, पंजाब और केपीके में ज़्यादा खेली जाती है ना, वॉलीबॉल भी है खेली, दूसरी जगहों पे भी जाती है, लेकिन इनमें चूंकि बहुत पहले से खेली जाती है और नेशनल टीम में इनके प्लेयर रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके ना जो दूसरे यंगस्टर हैं उनको ग्रूम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। शकरगढ़, साहिवाल, फैसलाबाद इस साइड से बहुत ज़्यादा है, और हमारे केपीके में तो ओवरऑल है, जैसे कि बन्नू है हमारे बन्नू से, अभी इस टीम में चार खिलाड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। पेशावर से भी हो जाते हैं, सवात से भी हैं हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर एमल खान, तो डिफरेंट जगह से आते रहते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे इंटर डिविजनल टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं तो वहाँ से हमारा जूनियर जो स्टाफ है वो वहाँ से आ रहा है। ये तो खेल की बात होगी, अब इनाम और इकराम की बात कर लें। सुना है 5-5 लाख रुपए फी कस मिले हैं, और साथ साथ जो जिनका जॉब्स नहीं है ये भी कहा गया कि 7 दिनों में जॉब्स भी देंगे, ऐसा इकबाल ने भी अनाउंस किया था। जी देखें, जॉब्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली सारे प्लेयरों के पास है। अच्छा, जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं सबके पास जॉब्स हैं। तो अभी प्राइस का मैं जॉब्स भी प्राइवेट से कि डिपार्टमेंटल सतह पे जो खेलते हैं आप लोग वो सब डिपार्टमेंट? जी सब डिपार्टमेंटल। अच्छा, तो जो प्राइस की बात है वो अभी अनाउंस की है, मिला नहीं है, मिले नहीं है। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप कब तक कह रहे हैं मिलने का? इसके अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पहले भी हमारे जो होते थे वो डिले होते थे, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि डिले ना करें, नेकी के काम इसमें जितनी जल्दी हो जाए ठीक है, और दूसरों को भी हम कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि एहसन इकबाल साहब आए, दूसरे भी हैं जो वो भी काइंडली करें, क्योंकि हमारा यही एक होता है, बाकी तो नॉर्मल रूटीन की चल रही है। एक्सपेंसिस जिस तरह की आपने बात की, हमारी फिटनेस और डाइट पे बहुत ज्यादा हो रहा होता है, प्रोटीन, क्रिएटिन, डिफरेंट सप्लीमेंट्स, ये सब हमने खुद से लेनी होती है, तो ये कि ये एक अच्छी चीज है और इस रिवायत को आगे चलो एंड में ये बता दें कि हम भी खेल सकते हैं वॉलीबॉल, हमारी हाइट थोड़ी कम है, क्या हम खेल सकते हैं? हम अपनी हाइट बड़ी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खेलना चाह रहे हैं? लड़का है वो सेम आपकी हाइट का ना? अच्छा अच्छा, हां मतलब हम चल जाएंगे, डिफेंडर है हमारा, 5'8" मेरी हाइट है, डिफेंडर है हमारा, 6 नहीं है पूरी, उसकी भी 6 नहीं है, दो लड़कों की गुंजाइश होती है। हां वो इसलिए होती है जो नीचे से उठाने के लिए छोटे भी होने चाहिए। एक चांस इनको दे दे कि मुझे लगता है उसके लिए इनको फिटनेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, वापस आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलिए जी, जबरदस्त, आप लोगों पे हमें जाहिर है फखर है, और जो आप कवरेज की बात कर रहे थे, हम साथ साथ स्टोरीज जो नहीं आती है वो हम शेयर भी करते रहते हैं, लेकिन जाहिर है आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि नेशनल टीम के वॉलीबॉल के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है, और जाहिर है आप लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें।